इंडिया का पहला फाइव स्टार होटल था मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल, और कुछ बड़े ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स इसके बारे में। ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें बिजली आती थी, इंडिया का पहला होटल था जिसमें एक स्टीम एलिवेटर था, बाद में जाकर ये इंडिया का पहला होटल था जिसमें एक एयर कंडीशन बॉल रूम था, और इस बॉल रूम में महात्मा गांधी से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक ने स्पीच दी थी। इस होटल के बगल में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये होटल उससे भी ज्यादा पुराना है। उस जमाने में इसमें एक कमरे की कॉस्ट थी 10 रुपए पर नाइट, और अगर आपको अपने कमरे में पंखा चाहिए था और एक अटैच्ड बाथरूम चाहिए था तो उसकी कॉस्ट थी 13 रुपए पर नाइट। आज के दिन इसमें लोएस्ट कॉस्ट का कमरा आपको मिलेगा 33,000 रुपीज पर नाइट में। इसे जमशेद जी टाटा ने बनाया था, और एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि उन्होंने ये होटल इसलिए बनाया क्योंकि उस जमाने में वो एक होटल में गए थे, वॉटसन होटल। वहां पर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया था क्योंकि वो व्हाइट्स के लिए खुला था सिर्फ। लेकिन इस थ्योरी को कई हिस्टोरियंस काउंटर करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जमशेद जी टाटा कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो एक रॉयल एक्सपीरियंस दे सके बॉम्बे को। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरा टाटा की हिस्ट्री पर पूरा वीडियो देख सकते हैं, मेन चैनल पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर ध्रुव राठी टाटा करके।